वेलकम टू करियर डेस्ट एकेडमी। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 7 से 9 फरवरी 2021 के वीडियो के माध्यम से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमपी जीके एग्जाम के लिए यह वीडियो सीरीज चला रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हाल में एफटी द्वारा जारी रैंकिंग के कितने शीर्ष बिजनेस स्कूलों में आईआईएम इंदौर को शामिल किया गया है? ये अभी हाल ही में इस क्वेश्चन को समझिए। एफटी द्वारा जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें इंदौर शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। ये जो इंदौर आईआईएम है उसने फुल टाइम ग्लोबल एमबीए प्रोग्राम 2021 में रेजिडेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूटिव्स ईबीजीपी के लिए 94 रैंक हासिल की। इस संस्थान के निर्देशक की बात करें तो प्रोफेसर हिमांशु राय हैं। आईआईएम इंदौर के उपलब्धि की बात करें तो ये ट्रिपल क्राउन एक्रीडेशन प्राप्त करने वाला देश का दूसरा बिजनेस स्कूल है। इस संस्थान को AIRF रैंकिंग 2020 में भी 7वां स्थान मिला था। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट शुरू करने वाला देश का पहला आईआईएम इंदौर है। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में मां नर्मदा जन्मोत्सव का कितने दिवसीय आयोजन किया जा रहा है? ये जो मां नर्मदा मैया हैं उनका जन्मोत्सव 7 दिवसीय मनाया जा रहा है तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में। इसकी शुरुआत 12 फरवरी से होगी, 19 फरवरी तक यह प्रोग्राम चलेगा। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कितने शासकीय महाविद्यालयों में नए अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे? अध्ययन केंद्र की बात करें ये शाखा हो जाएगी, भोज मुक्त विश्वविद्यालय की शाखाएं हो जाएंगी पूरे मध्य प्रदेश में, और 134 नए अध्ययन केंद्र एडुकेशन सेंटर खोले जाने के लिए ये निर्णय हुआ है। इसमें 16 फरवरी 2021 को मिंटो हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित होगा। उसमें शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं कुलसचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के मध्य अनुबंध किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सॉरी दोस्तों इसका डिटेल होगी। इससे पूर्व भी विश्वविद्यालय द्वारा 277 शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। 277 प्लस 134 हो चुके हैं, यानी आपके ये 321 हो चुके हैं पूरे। ये इसके कुलपति डॉक्टर जयंत सोनकर हैं, ये समझे बात को इसकी। 1991 में एक विधानसभा अधिनियम पारित हुआ था, उसके तहत मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये समझिए। लेकिन किसी बुक में ये लिखा है कि मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1993 में हुई थी, तो ये इस कारण सही हो सकता है कि ये अधिनियम 1991 में पारित किया था और 1993 में इस भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में मरीजों को आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार की घर पहुंच सेवा के लिए आयुष विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की जा रही है? ये कौन सी योजना होगी? ये होगी वैद्य आपके द्वार, यानी मरीज के द्वार। इसमें बहुत जल्दी यह योजना शुरू की जाएगी। हमारे मध्य प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री जो रामकिशोर कावड़े हैं, उनके अनुसार ये आयुष विभाग के वैद्य आपके मरीज के द्वार योजना का तेजी से काम चल रहा है। दोस्तों कभी कोई गलती हो जाती है बोलने में तो दोबारा उसे हम रिकॉल करते हैं, तो आपको वो पॉइंट कम से कम ध्यान रहता होगा दोस्तों, तो ये गलती देख लिया करें। इसमें अगला जो है मध्य प्रदेश आईटी यानी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विघटन कर इसे किसमें मर्ज कर दिया गया है? समझिए बात को, एक संस्थान से दूसरी संस्थान में मर्ज कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम जिसे MPSEDC कहते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं हम। ये जो मैप आईटी है इसे 8 फरवरी 2021 को मर्ज कर दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसका आदेश जारी भी कर दिया है। मैप आईटी की समस्त अस्थियों एवं देवताओं को विधि
विधिक प्रक्रिया पालन करते हुए मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम का हस्तांतरित किया जाएगा। इस अब मैप आईटी की गतिविधियों का संचालन एवं अनुबंधों जो भी करार हुए होंगे इसके मैप आईटी के, वो उनका निष्पादन कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम करेगा, क्योंकि ये मर्ज कर दिया गया है। आरोग्य धाम चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र ग्वालियर का 11वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? जो स्थापना दिवस मनाया गया है वो 7 फरवरी को मनाया गया है। इसमें सीएम हमारे शामिल हुए, साथ में आरोग्य धाम परिसर में नवीन आईसीयू ब्लॉक का भी लोकार्पण कर दिया गया है सीएम द्वारा। सीएम ने 7 फरवरी 2021 को ग्वालियर में किस योजना के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ये तीन योजनाएं, एक व्यक्ति द्वारा तीन योजनाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वाहनों को, जिसमें स्मार्ट सिटी योजना के तहत 4 बसें, दीनदयाल चलित रसोई वाहन, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। इसकी डिटेल देखते हैं हम। 7 फरवरी 2021 को सीएम ने ग्वालियर में तीन योजनाओं के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 4, दीनदयाल चलित रसोई वाहन और राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 7, ये 7 जो बच्चों को उपचार के लिए इंदौर ले जा रही हैं वहां रवाना किया सीएम ने। महिला बाल विभाग द्वारा सर्वे का चिन्हित हृदय रोग से ग्रसित बच्चों में प्रथम चरण में 7 बच्चों को इंदौर भेजा जा रहा है। समझिए 7 बच्चों किस लिए भेजा जा रहा है, ये हृदय रोग से पीड़ित हैं। इनके ऑपरेशन पर 50,000 से 2,00,000 रुपए तक का व्यय होगा। बच्चों के उपचार पर होने वाला व्यय राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार देगी। असहाय बुजुर्ग एवं दिव्यांगों को घर पर ही राशन मुहैया कराने के लिए किस जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के रूप में सराहनीय पहल की है? तो इसका जो सही आंसर है आपका ग्वालियर। ग्वालियर जिला प्रशासन ने ये योजना चलाई, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। इसका अब इसके फायदे देखकर सीएम ने घोषणा की है 7 फरवरी 2021 को कि ये पूरे मध्य प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इसमें इस योजना के तहत ग्वालियर जिले में 3,607 बुजुर्ग एवं दिव्यांगों के घर पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान की राशन पहुंचाया जाएगा। समझिए आशीर्वाद योजना बहुत ही कितनी पावरफुल योजना है, ये कितनी अच्छी सोच है ग्वालियर के जो भी यहाँ पे कलेक्टर रहे होंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असहाय बुजुर्गों को इस योजना में शामिल किया गया है। अब शुभारंभ में कई सारे ये नेता शामिल हुए, हम आपको बता देते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ये कौन हैं, आप इन्हें जानते ही हैं, ये सिंधिया जी। उसके बाद भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये ओम प्रकाश सकलेचा, महेंद्र सिंह सिसोदिया, भारत सिंह कुशवाहा, ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़, विवेक नारायण सेजवल कर आदि जो है वो इस योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में टंटैया मावा भील जयंती समारोह का आयोजन किया गया है? ये जो आयोजन किया गया है रायसेन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील के सुल्तानगंज में 7 फरवरी को आयोजित टंटैया मामा भील जयंती समारोह में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री विसाहूलाल सिंह और प्रभुराम चौधरी, ये स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व मंत्री सिलवानी विधायक रामपाल सिंह ने इसमें भाग लिया। मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सुधार के लिए कितने विशिष्ट आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं? एमपी में उनके कुल कितने विद्यालय हैं? ऐसे 126, ये 126 हैं। इसमें 126 में आपके 64 एकलव्य आदर्श विद्यालय आवासीय विद्यालय, 54 होंगे आपके कन्या शिक्षा परिसर, 8 आपके आदर्श आवासीय विद्यालय। ये जनजातीय कार्य विभाग द्वारा ये संचालित इन विशिष्ट आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए स्पेशल रेसिडेंशियल एवं एकेडमिक सोसाइटी का भी गठन किया गया है। हम बात करेंगे वन लाइनर फैक्ट की। ये सीएम ने 7 फरवरी 21 को ही ग्वालियर में
सरोवर पहाड़ी पर अटल पार्क के लिए प्रस्तावित नक्शे का अवलोकन किया। ये इसमें अटल पार्क कहाँ बन रहा है? आपका ग्वालियर में बन रहा है। इसमें भाई सीएम ने विजिट की, सीएम ने ही 8 फरवरी 2021 को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर, कमिश्नर, डीजी यानी जो बड़े उच्च अधिकारी है उसमें सबको शामिल हुआ, जिसमें कई दो एसपी हटा दिए गए हैं। भाई ये क्या है, अब जो है हटाने का जो अधिकारी हैं उन्हें हटाने का काम चल रहा है, निलंबित किया जा रहा है। कहीं किसी को तो बिना मतलब में ही निलंबित किया जा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। और महिला बाल विकास विभाग का साप्ताहिक YouTube कार्यक्रम सहभागिता संवाद का पहला प्रसारण कब हुआ? ये हुआ है 8 फरवरी को हुआ है। टीबी हारेगा भारत जीतेगा अभियान के अंतर्गत सब नेशनल सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? ये प्रभु राम चौधरी ने किया है, 6 फरवरी 21 को किया है। आप इसे समझ जाएं कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। यदि दोस्तों एक ही वीडियो में आपका किसी प्रश्न का नाम, दूसरी बार कोई मंत्री है, कोई विशिष्ट व्यक्ति है आता है, तो उसका केवल नाम से पुकारा जाएगा, तो आप अपने आप क्लिक करेंगे कि ये कौन सी पदवी पर बैठा है। दोस्तों इसमें ये मध्य प्रदेश की कोनो नदी है जो, उसमें 25 घड़ियाल छोड़े गए हैं। अब ये समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कूनो नदी में 7 फरवरी 2021 को 25 घड़ियाल छोड़े गए हैं। ये घड़ियाल मुरैना जिले के देवरी घड़ियाल प्रजनन केंद्र में पिछले 3 साल से पाले जा रहे थे। उप वन संरक्षक वन प्राणी रजनीश कुमार सिंह के अनुसार प्रजनन केंद्र से छोड़े गए घड़ियालों की संख्या अब 50 हो गई है। इसमें से 10 नर 40 मादा घड़ियाल हैं। छोड़े गए घड़ियालों की लंबाई 120 से 150 सेंटीमीटर के बीच है। हम इसका दूसरा पेज देखते हैं। इसमें विगत वर्ष चंबल नदी में घड़ियालों का अध्ययन कर रहे वन प्राणी वैज्ञानिकों द्वारा ये पाया गया है कि चंबल नदी में रेडियो टैग किए गए घड़ियालों में एक मादा घड़ियाल ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान में अंडा दिए हैं तो आशा बन गई है। इसके बाद उक्त घड़ियाल प्रजनन स्थल को सुरक्षित करने और कूनो नदी में घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से घड़ियालों की अतिरिक्त संख्या देवरी से लाकर मुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 50 घड़ियाल मुक्त हुए हैं। इसमें 5 घड़ियालों की अध्ययन की दृष्टि से रेडियो टैग भी किया गया है। ये घड़ियालों के बारे में है। ये पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वच्छता के लिए क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने लगातार तीसरी बार फिर ODF डबल प्लस सर्टिफिकेट किसे प्रदान किया गया है, किस नगर निगम को प्रदान किया गया है। तो ये नगर निगम है आपकी इंदौर। आप ये देखिए इंदौर, सॉरी दोस्तों उज्जैन, कहाँ आपसे इंदौर हो गया, ये उज्जैन है। मेरे मन में उज्जैन था लेकिन इंदौर आ गया, ये किसी कारण से हुआ, लेकिन इसका सही जो जवाब है वो उज्जैन है। इसमें आज का आपसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि गुवाहाटी में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के ये सुनील डावर, लो सूखा गया उसका, सुनील डावर ने कितने मीटर दौड़ में मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया? 900, 1200, 1500, 1000 में से एक जो इसका आंसर सही, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताते हैं। दोस्तों ये सुनील डाबर जो है कई दिनों से सुर्खियों में हैं, लगातार दूसरी चैंपियनशिप है जिसमें इन्होंने अच्छा जलवा कायम किया है। इसमें दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। और हम MP करंट अफेयर्स में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें हमने बदलाव किया है कि दोस्तों इसमें साप्ताहिक जो MP करंट अफेयर होगी, ये वीकली जो करंट अफेयर होगी उसमें हम ऑनलाइन टेस्ट रखेंगे दोस्तों, यानी आपको 4 ऑनलाइन टेस्ट आपको साप्ताहिक मिल जाएंगे और एक आपको जो MP करंट अफेयर्स का होगा वो मंथली मिलेगा, यानी आपको 5 वीडियो ऐसे होंगे जो आपको MCQ के रूप में आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। अब हर महीने मतलब 5 वीडियो पर्याप्त हो जाते हैं, ये 4 वीडियो आपके हो जाएंगे। आप कोई भी दोस्तों डेली यदि आप MP करंट अफेयर्स का किसी एग्जाम के बहाने पढ़ते हैं तो उसका समय बर्बाद होता है आपका, इस वजह से यह निर्णय लिया है। और हम MP वन लाइनर फैक्ट जो है उसका वीडियो हम
फैक्ट के रूप में शामिल केयर करेंगे दोस्तों, और टॉपिक है वो हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो ये इस प्रकार का बदलाव किया गया है जिससे कि हमारा टाइम भी बचे और दोस्तों हम उसमें तैयारी भी ढंग से कर पाएँ। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।